टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं। पति अभिनव के साथ अनबन की वजह से वह चर्चा का हिस्सा बनी हुई है। दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अनुभव का कहना है कि श्वेता उन्हें उनके बेटे से मिलने नहीं देती हैं। श्वेता की पहली शादी भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई थी। पति राजा चौधरी से अलग हो गई थी। श्वेता तिवारी के पहले पति राजा चौधरी ने उनकी दोनों शादियों के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं उनके सपोर्ट में हूँ। दरअसल एक मीडिया से बातचीत के दौरान राजा ने कहा कि अगर उनकी दोनों शादियां नहीं चल सकी, इसका मतलब ये नहीं है कि वह एक बुरी इंसान है। उन्होंने कहा कि श्वेता एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ है। राजा चौधरी ने कहा कि श्वेता की जिंदगी में ये दोबारा हो रहा है, इसलिए उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। श्वेता एक बेहतरीन माँ और बहुत अच्छी पत्नी है। इसमें श्वेता का दुर्भाग्य है कि उनके साथ सब कुछ दोबारा हो रहा है और उनकी दूसरी शादी नहीं चली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह एक बुरे इंसान है। राजा ने यह भी कहा कि श्वेता को अभिनव को अपने बेटे से मिलने देना चाहिए। मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि एक पिता को उसके बेटे से मिलने दिया जाए। उन्हें समझना चाहिए कि बतौर कपल उनके रिश्ते में कई परेशानियां हो सकती है, लेकिन कभी भी एक पिता अपने बेटे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन दोनों के बीच जो भी हो रहा है मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता हूं। अभिनव ने हाल ही में श्वेता पर आरोप लगाया था कि वह खतरों के खिलाड़ी 11 का हिस्सा बनने के लिए कैप टाउन गई हुई हैं और अपने बेटे को मुंबई के होटल में रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि वह अपने बेटे से मिलने के लिए होटल होटल घूम रहे हैं। वहीं श्वेता ने अभिनव की इस बात को गलत ठहराते हुए बॉलीवुड बबल को कहा कि उन्होंने अभिनव को खतरों के खिलाड़ी में भाग लेने के बारे में बताया था।